समय में हमारे तहसीलदार साहब ने बहुत मेहनत करके और पूरे तहसील के लोगों को राहत पहुंचाया है, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपका कुछ संदेश मिले और खास करके सरकार की आपदा के समय, इस बाढ़ के समय अगर कुछ हानि होती है तो क्या योजनाएं हैं, थोड़ी सी सर जानकारी भी दे देंगे तो बहुत उपयोगी होगा सर। हेलो, हाँ स्वाभिमान समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय रहे नगर पंचायत सभासद और मंटू यादव जी, मंटू प्रधान जी, पन्नालाल यादव जी, संस्था को इतनी बढ़िया से चला रहे हमारे विनोद प्रजापति जी एवं इस संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी। ममता वर्मा जी, अभी अभी क्योंकि अब पहली बार हमारा आना हुआ है, मुझे लगता है कि आगे आप लोग कार्यक्रम करेंगे और जब भी बुलाएंगे मैं मौजूद रहूंगा। कल माननीय प्रजापति जी ने तहसील पर ये पहुंचे थे, इन्होंने समय लेने का प्रयास किया तो हमारा ही सुझाव था, पाई दे हमने कान में डाला माननीय विधायक जी के, वो तुरंत तैयार हो गए कि इतना बढ़िया काम अगर ये संस्था कर रही है तो वहां पर मौजूदगी बहुत जरूरी है। भाई दे साहब तक जो है कुछ ऐसी एजेंसी आ गई कि शासन के स्तर पर बुलाया गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि नवंबर तक सारी सड़कें आपके क्षेत्र की जो बाढ़ के कारण प्रभावित हो गई हैं, खराब हो चुकी हैं, उनको कैसे भी तत्काल जो है रिपेयर कर देना। मुख्यमंत्री जी ने उसी क्रम में सभी लोगों को बुलाया है और माननीय जी भी अपने जो है जिले का जो भी समस्या है उसको लेके पहुंचे हैं, उसी क्रम में मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट जो है शाम तक को सुनाएंगे, जरूर मिलाएंगे। और आपके हमारे तहसील क्षेत्र में लगभग 187 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिसमें लगभग 90 गांव ऐसे थे जहां पर चारों तरफ से पानी गिर गया था। 90 गांव में शासन की मंशा के अनुरूप हम सभी ने दिनों रात चाहे नाव लगाने की जरूरत हुई या स्टीमर लगाने की जरूरत हुई या खाद्यान्न वितरण की जरूरत हुई, कई जगह तो चारा भी पशुओं के लिए मुहैया कराया गया जहां जैसी जरूरत थी। दिनों रात माननीय विधायक जी और उनके प्रतिनिधि श्री राही जी लगातार बने रहे, मतलब इतना जनता के बीच में समय देने वाला, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं पहला विधायक देखा कि और आप लोग लगातार सवेरे, मैं देखता हूं कि माननीय विधायक जी का जो है जनता जो है दरबार लग जाता है 7 बजे, वो 7 से 10 वहां रहते हैं, 10 बजे के बाद फिर निकलते हैं तो 10 बजे रात को ही घर। तो ये अपने आप में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिनिधि चुना है, तहे दिल से शुक्रिया। और मेरा यही प्रयास रहा, शासन का भी प्रयास यही रहा कि जो है जितना भी लोगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है यहीं से खाद्यान्न वितरण किया है, तो चौराहे और आसपास के गांव के लोग वहां मौजूद भी रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सर्वे किया, एरियल सर्वे भी किया और अपने कर कमलों से खाद्यान्न वितरित भी किया। मैं स्वाभिमान समिति को तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूंगा कि कई जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए, जहां नहीं पहुंच पाए उन लोगों ने हम लोगों की इज्जत बचाने का काम खुद किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग निरंतर इस तरह से काम करते रहे, जहां भी मेरी जरूरत होगी या तहसील प्रशासन से आप लोगों को सहयोग की अपेक्षा होगी, हम लोग सदैव आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आपके हाथ से और आपके भाई से।